तो आप देख सकते हैं ब्रेक के काम कंप्लीट कर दिया गया है। अब बेल्ट लगाकर देख सकते हैं हेडर आ चुका है। अब बेल्ट लगा दिया गया है उसका हुक में। अब उसे हाउजिंग को उठा लिया गया है। अब उठा के इस टायर पे रख दिया जाएगा। उसके बाद जेसीबी को इधर इधर थोड़ा घसकाया जाएगा। उसका जेसीबी सेंटर मिला के उस पर हाउजिंग पे रखा जाएगा। उसके बाद फिर उसका जोका बोल्ट प्लेट लगाकर फंसा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप रखा चुका है। तो आप देख सकते हैं जुगाड़ लगाकर टायर पे रख दिया गया है हाउजिंग को। तो आप देख सकते हैं हाउजिंग में तेल डाला जा रहा है। देख सकते हैं गियर बाइल डाल दिया गया है। लेवल प्लग को कसा जा रहा है। तो देख सकते हैं लेवल प्लग लगा दिया गया है। गियर बाइल डालकर लेवल प्लग को देख सकते हैं लगा दिया गया है। अब गाड़ी को थोड़ा इधर लिया जाएगा और इस हाउजिंग पे सेंटर मिला के गाड़ी को लगा दिया जाएगा। उसके बाद फिर इस हाउजिंग को लगाया जाएगा। तो आप सभी वीडियो में बने रहें किस प्रकार से इसे लगाया जाता है जेसीबी के चेचिस में। अभी हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले भी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं जेसीबी स्टार्ट हो चुका है। अब जेसीबी को घसका करके एक्सल हाउजिंग के सामने लाया जा रहा है। थोड़ा इधर नंदन, इधर धीरे धीरे इधर आओ करो। बस देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। अब धीरे धीरे जग पे है नंदन, जग पे धीरे धीरे नीचे लो, बूम को अच्छी करो, जग धीरे धीरे डाल लो, आ लो धीरे धीरे आ लो थोड़ा, बस रुक जाओ। तो आप देख सकते हैं एक्सल हाउजिंग बोल्ट लगा दिया गया है और नीचे से प्लेट भी लगा दिया गया है। नट लगाकर कसा जा रहा है। इसी तरह से उस साइड भी फंसा लिया जाएगा बोल्ट को सेंटर मिलाकर। अब रहने दीजिए, अब उस साइड लगा लीजिए, उस साइड
तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड आ चुके हैं। अब इस साइड भी उसी तरह से सेंटर मिलाकर एक्सल हाउसिंग बोल्ट लगा दिया जाएगा। डालिए बोल्ट ठीक है, लगाइए प्लेट, लगाइए नहीं उसने लगाया डालिए ना, स्प्रिंग बसर वाइप डालिए ना, सुबह भी आप कसिए ना, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड का एक्सल हाउसिंग झोंका बोल्ट लगा दिया गया है, अब टाइट किया जा रहा है। तो देख सकते हैं गाड़ी को और ऊपर लिया जा रहा है, अब नीचे से चक्का निकाल दिया जाएगा और एक्सल हाउसिंग देख सकते हैं सेट हो चुका है, अब चक्का को बाहर निकाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं फाइनल टाइट किया जा रहा है एक्सल हाउसिंग बोल्ट झोंका बोल्ट को फाइनल से टाइट कर दिया जा रहा है। टाइट करने के बाद क्रॉस लगाया जाएगा और उसके बाद ब्रेक पाइप लगाकर फिर चक्का लगाया जाएगा, एयर आर निकाल दिया जाएगा। तो अभी एक्सल हाउसिंग बोल्ट टाइट किया जा रहा है, देख सकते हैं क्रॉस लगाया जा रहा है। हमारे दोस्त बात चल गए कन्हे बोलो, वो तो कहीं प्राइवेट काम कर रहा हो सही में। तो आप देख सकते हैं ब्रेक पाइप लगाया जा रहा है, देख रहे हो कनेक्शन किया जा रहा है ब्रेक पाइप। तो आप देख सकते हैं क्रॉस लगा दिया गया है और ब्रेक पाइप टाइट कर दिया गया है, दोनों साइड का देख सकते हैं ब्रेक पाइप कनेक्शन हो चुका है, क्रॉस भी असेंबल हो चुका है। अब ब्रेक वाइल डब्बा में ब्रेक वाइल डालकर एयर निकालने वाले हैं इसका। तो आप देख सकते हैं ब्रेक वाइल नहीं रहने के कारण 46 नंबर हाइड्रोलिक तेल डाला जा रहा है ब्रेक वाइल डब्बा में। तो आप देख सकते हैं डाल दिया गया है तेल, अब ब्रेक पैंडल बनाया जा रहा है, एयर निकाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं पैंडल कड़ा हो चुका है, अब नीचे जाएंगे एयर निकालने के लिए। देख सकते हैं अब एयर निकाला जा रहा है। छोड़िएगा ना, दाब ले रही है पंडिल। चलिए बनाइए पंडिल फिर से। हाँ
टाइट होगा पंडित तो बोलिएगा। हाँ दाबले रहिए। चलिए अब डाल करके पंडित पैक कर दीजिए, निकल गया यार। डाल दीजिए तेल डब्बा में, तो आप देख सकते हैं एयर निकल चुका है, तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। अब ब्रेक चेक किया जाएगा, दोनों मारो ठीक है, गियर दो ठीक है, तो देख सकते हैं ब्रेक लगने लगा है। स्पीड करो पूरा, करो स्पीड ठीक है, रहने दो। तो देख सकते हैं ब्रेक ट्रायल हो चुका है, ब्रेक लगने लगा है। तो आप देख सकते हैं चक्का लगाया जा रहा है, चक्का बोल्ट देख सकते हैं, नट को लगाया जा रहा है चक्का नट देख सकते हैं, दूसरा साइड का चक्का आप लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं टायर लगा दिया गया है, चक्का का सभी नट कसा जा रहा है। सभी नट को फंसा दिया गया है चक्का का, अब टाइट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फाइनल चक्का सभी टाइट किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं चक्का फाइनल टाइट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड का चक्का कसा जा रहा है, आप देख सकते हैं फाइनल दोनों चक्का कस दिया गया है, और देख सकते हैं ब्रेक चेक किया जा रहा है, देख सकते हैं ब्रेक दम टंच हो चुका है, ब्रेक लगने लगा है। अब इसे रोड पे दौड़ा करके ब्रेक टेस्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जेसीबी चलने के लिए रेडी हो चुका है, एसी कंपनी का बैकलोडर है, देख सकते हैं अब रोड पे निकलते हुए। तो आप देख सकते हैं रोड पे निकल चुका है जेसीबी, अब ब्रेक
ट्रायल किया जा रहा है। देख सकते हैं ब्रेक दम लगने लगा है, दम रोड कबाड़ देता है ब्रेक, ब्रेक दम टंच हो चुका है। देख सकते हैं रोड पूरा घिस गया, चक्का घिस गया रोड पे, देख सकते हैं दाग आ चुका है चक्का का, तो ब्रेक ओके हो चुका है। आप सभी से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप वीडियो के माध्यम से देख ही चुके होंगे किस तरह से ब्रेक के काम किया जाता है, और इसमें पूरा ब्रेक का काम हम बताए हैं आप सभी को। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।